सर, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार मोहबिया है और मैंने तो बीए किया हुआ है ग्रेजुएशन में और अभी डिप्टी कमिश्नर स्टेट जीएसटी के रूप में काम कर रहा हूँ। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या है सर? मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य था और मीडियम भी हिंदी ही। ओके सर, ये कौन सा टाइम है सर यूपीएससी का? मेरा थर्ड इंटरव्यू है अभी। इससे पहले मैंने 2018 और 2019 में दिया है इंटरव्यू। ओके, लगातार इंटरव्यू दिया, मतलब 18 और 19 फिर अभी गैप हो गया। शादी थी मेरी, हाँ, तो बीच में 2 साल थोड़ा गैप हो गया। ओके सो सर, सबसे पहले ये बताइए, अभी आप इंटरव्यू देकर आए हो तो इंटरव्यू कैसा रहा, इसके बारे में बताइए सर। राजीव नयन चौबे सर का बोर्ड था और बहुत ही मतलब सहयोगात्मक रवैया था उनका। मतलब ये कहा जाए कि फुल कॉन्फिडेंट हूँ मैं देने के बाद और उम्मीद करता हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा। ओके तो बस इतना ही कह सकता हूँ अभी तो। ओके सो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे? शुरुआत तो चौबे सर ने ही किया था और बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा रहा इस बार इंटरव्यू का। और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ पे गए, पॉल्यूशन पे कुछ क्वेश्चन हुए, शायद दिल्ली को ध्यान में रख के पूछा गया होगा, और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरा हिंदी लिटरेचर है तो हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चन आए। तो हिंदी साहित्य से सर क्या पूछे गए थे? हिंदी साहित्य में जो सामान्यतः पूछा जाता है रस और अलंकार वगैरह, एक आध दो क्वेश्चन ही हुए, उसके बाद नहीं हुए कुछ भी। बाकी ये मानिए कि नक्सलवाद पे मोस्टली मेरा जो इंटरव्यू है चला है, जो कि पोस्टिंग भी पहले बस्तर में रही है। ओके तो शायद बस्तर में 7 जिले प्रभावित है नक्सलवाद से अभी, तो उस कारण से थोड़ा सा मुझे लगता है कि वैसे। ओके सो जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा रहेगा इंटरव्यू, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा था? देखिए, यूपीएससी में अगर कोई आता है तो मेंस क्लियर करके आता है और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कुछ ना कुछ वो मार्गदर्शन ले लिया रहता है। तो डेफ पे तो लगभग सारा काम सब लोग कर लेते हैं, फिर भी जो एक हल्का सा प्रेशर रहता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको हल्का सा परेशान करता रहता है। और मैं समझता हूँ कि सफलता के लिए आपको परेशान रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थोड़े परेशान रहते हैं तो ये मानिए कि आप सामान्य हैं, और कोई परेशानी नहीं हो रही तो वो असामान्य है। चिंतित होने की तब ज़रूरत है। ओके सो सर, जो आपने मॉक इंटरव्यू वगैरह दिए होंगे तो वो कितने हेल्पफुल रहे सर? देखिए, मैं तो अभी 2 दिन पहले ही आया हूँ और मैंने दृष्टि में ही एक मॉक दिया है बस, और वो फ्रूटफुल तो रहता है क्योंकि आप पहले ही एक बार जो मॉक इंटरव्यू है उसमें बोर्ड के सामने जाके बैठ के बोल चुके होते हैं, भले ही क्वेश्चन मैच ना करें। राइट, और यहाँ भी मैच नहीं किया। राइट, लेकिन कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप होता है बहुत अच्छा होता है। ओके, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत आप अभी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है मात्र 299 रुपीज़ में ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी IIT जी 8 से 12 की तैयारी या फिर बात करें नीट UG की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर मिलेंगी जो क्लासेस टॉप एडुकेटर के साथ मिलेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, साथ ही आपको जो बोर्ड क्लासेस हैं उसकी गाइडेंस दी जाएगी, और साथ ही आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग दिया जाएगा एंड एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज कर सकते हो। ये हैवी डिस्काउंट 30 तारीख तक है, सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही मैं आपको बता दूं अनअकैडमी गोल के बारे में, अभी अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन है, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, प्लस कॉम्बो की बात करें, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, उस पर अभी हैवी डिस्काउंट चल रहा है 20% का, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मेरा कोड स्टूडेंट तो जरूर यूज करें 20% डिस्काउंट के लिए। आगे मैं आपको बता दूं यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट के बारे में, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें टोटल 56 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको 60 मिनट्स में करने होंगे। ये जीएस का होने वाला है, ये प्रीलिम्स स्पेशल है, और साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें आप 4 करोड़ तक के रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही यहां पर आप गेमिफाइड एक्सपीरियंस में टेस्ट दे पाओगे, साथ ही यहां पर आप लाइव टेस्ट दोगे और आपकी रैंकिंग जानने को मिलेगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो। सो गाइस, अगेन मैं आपको बता दूं जो कॉम्बैट है यूपीएससी सीएससी 1 मई को होने वाला है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और फ्री में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। सो सर, बात की जाए, जैसे कि आपने 3 इंटरव्यू और दिए यूपीएससी का, ये तीसरा इंटरव्यू है, हाँ, तो सर क्या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो लास्ट इंटरव्यू दिए हैं उसके कंपैरिजन में इंटरव्यू कैसे रहे? देखिए, मुझे लगता है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, इतने सधे हुए होते हैं कि मतलब पहले से अनुमान लगा पाना मुश्किल है। राइट सर, है ना, तो फिर भी अनुभव अच्छा था, अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है।
राइट सर। ओके सो सर, बात की जाए आपके यूपीएससी की जर्नी की, तो कब से स्टार्ट किया था या क्या सोच के आए थे सर? देखिए तैयारी तो मैं मतलब पहले स्टेट सर्विसेज में हूँ मैं अभी, तो एक हिसाब से कहा जाए तो मैं 12वीं के बाद से ही लगभग मतलब इस इंटेंशन में था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन परिस्थितियाँ भी कुछ 3-4 सालों से ही बन पाई कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर पाया। राइट ओके सो सर, फिल्म्स में जब आप फर्स्ट टाइम गए होगे तो उस टाइम बताइए कि आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, फिर कैसे रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, कैसे स्ट्रेटजी बनाई? प्रीलिम्स मतलब सबसे पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो पिछले 15-20 साल के जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पेपर्स को एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यूपीएससी का ट्रिक क्या है या फिर उनकी टेंडेंसी क्या है, क्या पूछ रही है। सबसे कठिन स्टेज मेरे को लगता है कि प्रीलिम्स ही है, तो मैंने तो जो बेसिक जो कंसेप्चुअल जो पार्ट होता है वो मैंने पढ़ा था सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। इसके अलावा करंट इवेंट ओके सो सर, मेंस की स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मेंस के लिए आप कैसे स्ट्रेटजी बना, तो कैसे तैयारी करें? देखिए अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो उसको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को अलग अलग स्टेज नहीं मानना चाहिए। पहला रूल तो यही होना चाहिए, right. है ना, एक ही एग्ज़ाम के 3 पार्ट हैं, तो कोई भी कैंडिडेट अगर तैयारी करता है तो उसको पहले मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए थ्रू आउट, right. जितना सिलेबस लिखा हुआ है सब कुछ पढ़ लीजिए, तो प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये मानिए कि उसके साथ साथ आपका 70-80% जो प्रीलिम्स है वो कवर हो गया। आपको 20% एक्स्ट्रा एफर्ट करना है जो कि रीजनिंग और सीबी जो सीसेट का जो पेपर होता है उसके लिए करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मेंस और प्रीलिम्स अलग अलग पार्ट नहीं है और दोनों को मिला के तैयार करना चाहिए, आपको अलग अलग समय देने की ज़रूरत नहीं है। राइट सर, सो आप जैसे थर्ड बार इंटरव्यू दे रहे हो यूपीएससी का हिंदी मीडियम से, तो हिंदी मीडियम में क्या रिसोर्सेज फॉलो करके चलना चाहिए, फिर स्टार्टिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या किताबों को क्या रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए चलना? देखिए रिसोर्सेज तो क्लियर हैं कि अगर कोई नया बच्चा आ रहा है तो एनसीईआरटी तो बेसिक से ही, एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करना चाहिए। उसके अलावा जो बेसिक किताबें हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लक्ष्मीकांत की किताब आती है, या फिर भूगोल के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो महेश बर्णवाल की किताब आती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए सारी चीज़ों में। पृथ्वी अगर घूम रही है तो ऐसे ही क्यों घूम रही है आपको मालूम होना चाहिए, पृथ्वी अगर थोड़ी चपटी है तो क्यों चपटी है, और बीच से उभार है तो क्यों है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए हर चीज़ के पीछे। राइट सर ओके सो सर, आपने 2 इंटरव्यू और दिए सर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी कहाँ कमियाँ रही हैं, क्योंकि आपने रिजल्ट्स भी देखे होंगे, फिर डेफिनेटली उन कमियों पर आपने काम किया होगा और इस बार और अच्छे से किया होगा। देखिए पिछले 2 बार तो चयन नहीं हो पाया, दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। तो मेंस में नंबर कम थे कुछ, इस कारण सिलेक्शन शायद नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि जितनी अच्छी हो सके मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए, और मेंस एक ऐसा क्षेत्र है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो ये आपको सिलेक्शन दिला सकता है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपको आईएएस बना सकता है। तो मुझे लगता है कि मेंस पे पूरा फोकस होना चाहिए। राइट सर, तो मेंस में जैसे कि आपने इम्प्रूव करने के लिए आंसर राइटिंग की होगी या फिर कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस करा मेंस में? देखिए मैं अभी सर्विस में भी हूँ तो पढ़ाई तो चलती ही है, लेकिन मैंने ये कोशिश की थी कि दिन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन मैं लिख ही सकूँ, क्वेश्चन का आंसर लिख सकूँ। यूपीएससी के अभी पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड चल रहे हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो करंट से जोड़ के पूछा हो, मुद्दों से जोड़ के पूछा हो, उनका एनालिसिस करना, तो मैं डेली कम से कम 3-4 क्वेश्चन लिखता था, जिसमें कुछ मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य में वो उसके लिखता था और बाकी जीएस के लिखता था। राइट सर, सो आपको क्या लगता है कि सर जो नए कैंडिडेट आते हैं तो स्टार्टिंग में क्या गलतियां करते हैं? देखिए नए कैंडिडेट तो अभी पहली बार में यूपीएससी निकाल रहे हैं तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ना कि कौन कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है, कौन किसी कहां पर कमियां हैं। और मेरे को लगता है कि जो आत्ममूल्यांकन होता है वो सबसे बेहतर होता है कि कमियां कहां रह रही है आपकी, वो आप ही बेहतर समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। ओके सर, जो आपका ऑप्शनल है वो कितना हेल्पफुल लग रहा है सर आपको? मेरा जैसे पिछला 2 अनुभव, ये 3रा था, तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य एक बहुत अच्छा विषय है, अगर किसी भी की अगर थोड़ी सी भी रुचि ठहरती है हिंदी साहित्य में
तो एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और लिया जाना चाहिए। राइट, तो सर एथिक्स और ऐसे होता है सर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? देखिए यूपीएससी पूरे के पूरा मेहनत का ही खेल है। राइट सर, और आपके राइटिंग प्रैक्टिस का खेल है, है ना? तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप ठीक ठाक तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं ऐसे के संबंध में भी और ऐसे में भी, मुझे लगता है कि अगर किसी कैंडिडेट को ठीक ठाक तरीके से सेलेक्ट होना है, अच्छे पद में मतलब आईएएस में सेलेक्ट होना है या चयन लेना है, तो ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, अगर ये तीन सेक्शन को लेके चलता है तो ये आपको फिर जंप कराने की क्षमता रखते हैं, मतलब अच्छा पद दिला देगा आपको, होम कैटर दिला देगा, या सिलेक्शन लिस्ट से आप बाहर हो रहे हैं तो सिलेक्शन दिला दे, ये हो सकता है। राइट, ओके सर, जैसे कि आपने बताया अभी आप जॉब भी करते हो सर, तो जॉब के साथ कैसे टाइम को मैनेज कर लेते हो? ये मेरी वाइफ है, मेरा छोटा सा बच्चा भी है, अभी 14 महीने का है, तो पूरा का पूरा जो रहा परिवार का ही समर्थन रहा। आप जान सकते हैं कि शादी के बाद और बच्चे होने के बाद और सर्विस के बाद सब चीज़ को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो और कुछ मेरे सीनियर्स भी, मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट रहा, और 10:30 से 5:30 की पहले ऑफिस थी, अभी तो 10 से 5:30 हो गया है, तो ऑफिस जाने के पहले और ऑफिस आने के बाद मैं पढ़ाई करता था, और घर की जो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो मेरी वाइफ और मम्मी पापा जी, बच्चा है मेरा, और जो मेरा मेरे बड़े भैया रहे इसके पहले। ओके सर, जो कैडर वगैरह होता है सर, तो वो क्या सोच के भरते हैं? अब बाकियों को तो पता नहीं, अब मैंने तो जैसे होम कैडर ही पहले भरा है, छत्तीसगढ़ी चाहिए, काफ़ी सारे लोग नहीं भरते हैं, शायद उनको एक पिछड़ा क्षेत्र लगता है या फिर नक्सलवाद का एरिया लगता है। मुझे लगता है कि जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं वो काम करने के लिए सबसे बेहतर जगह होते हैं, आपने अगर वहाँ पर काम कर लिया तो आपका नाम तो होगा ही, और वास्तविक में जिस चीज़ के लिए आप इस सर्विस में आ रहे हैं उस सर्विस को मतलब बेहतर तरीके से आप उसके साथ न्याय कर पाएंगे अगर आप पिछड़े क्षेत्र में जाते हैं। राइट सर, ओके। सो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं, या फिर करंट अफेयर्स कैसे करें, कौन सी मैगजीन पर जाएँ, तो आप क्या करते हैं? देखिए अभी मार्केट में 100 किस्म के लगभग करंट इवेंट हैं, मतलब मैगजीन्स आती हैं। मुझे लगता है कि सारे जो कोचिंग्स होती हैं 10-15 के स्टाफ बैठा के कंटेंट डेवलप करते हैं, द हिंदू, जनसत्ता, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, हितवाद, सारे न्यूज़पेपर से जो अच्छे कंटेंट होते हैं और कंटेम्प्रेरी जो कंटेंट्स होते हैं उनको निकालते हैं, सारे रिसर्च वो कर लेते हैं। तो मेरी तो स्ट्रेटजी ये रही कि मैंने एक ही जो मैगजीन थी उसको बार बार पढ़ा, 10 बार पढ़ा, और मुझे न्यूज़पेपर पे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके सर, लास्ट में जो नए एस्पिरेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी अचीव करना चाहते हैं पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी करें, यूपीएससी हो या फिर कोई भी सर्विस हो। मैं नहीं समझता कि कोई भी काम मुश्किल होता है, ये कहते हैं ना 2 लाइन की, ख्वाहिशें तभी मुकम्मल होती हैं जब तलब भी शिद्दत से बनी। तो मैं इस लाइन पे भरोसा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज, विश यू गुड लक।